टर्निंग पॉइंट देखें, प्रोफेशनली टर्निंग पॉइंट देखें, तो वो क्या था पंकज जी की यार अब मतलब चमका? मेरे ख्याल से आप गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद लोग बोलने लगे थे कि यार ये कौन अभिनेता है, सुल्तान के किरदार के बाद लोग भी मुझे पहले मेरे किरदारों से ही याद करते थे, मेरा नाम कम जानते थे, सुल्तान सुल्तान हो गया था। न्यूटन के बाद न्यूटन में चूंकि नेशनल अवार्ड मिल गया और न्यूटन के बाद मुझे याद है मैं ABP न्यूज़ से भी बात किया था, किसी कोई जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया था, मैं लखनऊ में था। न्यूटन के बाद मुझे मैं हमेशा चाहता था कि थोड़ा मीडिया का तवज्जो मिले, मीडिया में मेरी बात हो, लिखा जाए, क्योंकि वो हर आदमी चाहता है। तो न्यूटन के बाद मुझे ना मेरे को बेहद खुशी हुई थी, एक तो नेशनल अवार्ड है चूँकि देश का सम्मान है, उसमें किसी प्राइवेट कंपनी का सम्मान नहीं है, और न्यूटन के बाद मुझे मीडिया ने काफ़ी लिखा न्यूटन के परफॉर्मेंस के ऊपर या मेरी जर्नी के ऊपर। तो न्यूटन के बाद मुझे लगता है लोग जानने लगे थे। आप छात्र नेता थे। पटना यूनिवर्सिटी में। सर मुझे एक ये बात बताइए कि आप इतने बड़े अभिनेता हैं और आप नेता रह चुके हैं कम समय के लिए ही सही, इन दोनों जॉब में आपको डिफरेंस क्या लगता है? ये नेता जो होते हैं वो भी लाइन बोलते हैं, तो नेता और अभिनेता में क्या अंतर है ये बताइए। काफ़ी अंतर है। हमें हम जो करते हैं हमें मालूम है कि हमारी स्क्रिप्ट झूठी है, उसमें ट्रूथ खोजना है हमें। चूंकि नेता मैं बहुत लंबे समय तक नहीं रहा हूं और मैं कुछ इलेक्टोरियल चुनाव वाले मैं छात्र नेता में था, तो वहां के लाइनें के बारे में मुझे अनुमान नहीं है। हालांकि उनको भी खुद स्वयं तो पता होता होगा कि मेरी स्क्रिप्ट कैसी है जो आज मुझे परफॉर्म करना है, बट हम यही हैं कि हमारी स्क्रिप्ट जग जाहिर झूठी स्क्रिप्ट होती है, उसमें ट्रूथ ढूंढते हैं, और राजनीति के स्क्रिप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। दोनों में एक तो कॉमन चीज़ है, जो रिलीज़ के पहले हमें भी मालूम है कि हमारी फिल्म औसत है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं कि फिल्म औसत है, और चुनाव के पहले नेता को मालूम है कि यार जनता का रुख ठीक नहीं लग रहा है, पर सर बोलता है हम जीत रहे हैं, आप परिणाम आने दीजिए। तो मैं एक दो राजनेता से मिला हूँ तो बोले कि आप कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे थे, तो हम क्या करें, हमने ऐसी विधि कि इनको तो उत्साह रहे, हम तो परिणाम आने के बाद हारेंगे ना, पहले क्यों हारना। और ये अच्छी बात है, समानता असमानता मैं दोनों दुनिया को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे बहुत मित्र भी हैं राजनीति में भी, और रुचि भी रखते हैं, रुचि भी रखते हैं। और मैं आपको लिख के देता हूँ, जैसे कि आप न्यूटन में लिख के देते हैं कि आप एक दिन राजनेता बनेंगे ही। वो लक्षण दिख रहे हैं सर आपके। पता नहीं कल किसने देखा। देखिए आपने कभी मना नहीं किया है। हम मना कैसे कर दूं? आज मना कर दूं और कल को मेरे विचार हो जाए, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की बड़ी आवश्यकता है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।